मी वैष्णवी, आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूज. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर. डोंबिवली महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील गल्ली बोळात घाणीचे साम्राज्य वाढले असून गटारीचे पाणी रस्त्यावर वाहत आहे. यामुळे रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या व्यावसायिक व परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कल्याण डोंबिवली परिसरात गेले काही दिवसांपासून डेंग्यू, मलेरिया व इतर तापांचे रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यासाठी महानगरपालिका विशेष मोहीम राबवत असल्याचा दावा करत आहे. मात्र कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका परिसरात अनेक ठिकाणी नाले, गटर साफसफाई न झाल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशाच प्रकारे कल्याण पश्चिमेतील आधारवाडी चौक परिसरात मुख्य रस्त्यांवर चेंबर्सचे पाणी नाल्यातून वाहत असल्याने येथील नागरिक हैराण झाले असून या गटारीचे पाणी रस्त्यावर व दुकानात येत असल्याने या परिसरातील व्यापारी व नागरिकांना गटारीतून मार्ग काढत करावा लागत आहे. त्याचबरोबर या गटारीच्या दुर्गंधीमुळे अनेक व्यापारी व नागरिक आजारी पडले असून त्यांच्या आरोग्याचाही प्रश्न उपस्थित असल्याने नागरिकांमध्ये महानगरपालिकेविरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. द ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. मैं डॉक्टर एस एन सिंह, आज मीडिया के माध्यम से ये एजेंसी के अधिकारियों को सूचित करना चाहता हूँ. बार बार बताने के बावजूद भी मुझे आज मीडिया के माध्यम से इसलिए जाना पड़ रहा है कि बहुत बार अधिकारियों को फोन कर बताया, वो आकर देखते हैं, उसके बावजूद किसी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है. मेरे दवाखाने के बाहर गटर का पानी भरा हुआ है. कई सालों से ये प्रॉब्लम हर साल हम लोग फेस कर रहे हैं. अभी तक हम कुछ भी कर इसको सॉल्व कर लेते थे, अपना साफ सफाई करवा लेते थे या केडीएमसी के कुछ अधिकारी एक दो वर्कर भेजकर उसको साफ कर देते थे. लेकिन कोविड के बाद ये गंदगी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ दवाखाने में बैठना भी मुश्किल हो रहा है. और बार बार फोन करके बार बार कर्मचारियों को बताने के बावजूद भी कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है. हम ये 8-10 दुकान वाले इस परेशानी से इतना परेशान हो चुके हैं कि मुझे लगता है हमको अपना दवाखाने के बाहर जाकर बैठना पड़ेगा. उसके बावजूद एक और चीज ऐसी बतानी है कि इस साल कोविड के बाद डेंगू का इतना प्रकोप फैला हुआ है जो कि बताने के लायक नहीं है. हर आदमी को इस बारे में मालूमात है. और मेरे दवाखाने पर बैठने के बाद मुझे खुद इतने मच्छरों को मारना पड़ता है, उनको स्प्रे लगाना पड़ता है. पेशेंट बाकी बैठते हैं, वो खुद कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपके दवाखाने के अंदर भी मच्छर आ रहे हैं. तो आप ये मच्छरों का ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं कि हमको और बीमार करने के लिए यहाँ बैठा रहे? ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है. मैं केडीएमसी के अधिकारियों से एक बार विनती कर ये बोलना चाहता हूँ कि कृपया कर इस बारे पर बहुत विशेष रूप पर ध्यान दें. मैं एक डॉक्टर होकर इतनी परेशानी झेल रहा हूँ. मेरे अगल-बगल मेरे सारे दुकान वाले तो बेचारे बोल ही नहीं पाते, उनका क्या हाल होगा. आप लोग इस मैटर को देखिए और इसको सीरियसली लीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मैटर है. हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमें ही बोल रहे हैं कि आप तो और बीमारी फैला रहे. और केडीएमसी के ऑफिसर्स से कई बार बात हुई, कई बार उनके वर्कर आते हैं यहाँ पर और देखकर चले जाते हैं, कोई कुछ करता नहीं है. मैंने अपने मकान मालिक से ही बात किया, उन्होंने केडीएमसी में कई बार एप्लीकेशन दिया है, वहाँ से लोग आते हैं और देखकर चले जाते हैं. हमारे जो लैंडलॉर्ड है श्याम पुलवाड़े जी ने भी कई बार अप्रोच किया है केडीएमसी में खुद जाकर. अगल बगल के दुकान वाले जो है, गरीब बेचारे दुकान वाले, वो जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं. केडीएमसी में जाना मतलब उनके लिए एक बड़ा टास्क है. उनको लगता है कि वहाँ जाने के बाद कौन से हिसाब से मिलना, कौन से हिसाब से नहीं मिलना. हम लोग मिलके आए, अगर श्याम फुलवाड़े जी मिलके आए, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है. इसका अब और क्या इलाज करना है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. मैंने अपने वार्ड के ऑफिसर से ही बात किया था, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं इस मैटर में. तो मैं मीडिया के माध्यम से केडीएमसी के ऑफिसर से, केडीएमसी के कमिश्नर जी से, डॉक्टर सूर्यवंशी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया इस मैटर पर विशेष ध्यान दें. धन्यवाद. या होते इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमची संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनमध्ये दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात. 9320420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी. तोपर्यंत धन्यवाद.